नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है आईपीएल के बादशाह ललित मोदी की। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। राजा महाराजा बहुत ऐसे बना रहे हैं आजकल में। हजूरी बिजी जो है बना रहा है, बहुत अच्छा है। और टीम ओनर बना रहे हैं, उसमें कोई खराबी नहीं। क्रिकेट बॉल बना रहा है, उसमें अच्छी बात ही है। पर मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ जी। पैसा तो लोग बना रहे हैं, सिक्योरिटी आपको देनी पड़ गई। लोग समझते हैं आप ही के पास पैसा है सबसे ज्यादा। लोग कुछ भी समझे, असलियत तो ये है कि बीसीसीआई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और आईपीएल बीसीसीआई को बिलोंग करती है। आईपीएल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है ना? नहीं, दे रहे होंगे ना उसके ऊपर। आईपीएल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कहां से आ गई? जो पैसा आईपीएल बनाता है वो बीसीसीआई बनाती है। वो सारा का सारा पैसा ग्रास रूट में जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाता है। आपको सिक्योरिटी क्यों दे दी? लोग क्यों समझते हैं कि आपके पास पैसा ज्यादा है? सिक्योरिटी क्यों दी आपको? क्या डर लगता है लोगों को आपसे? सिक्योरिटी काय की? आपको पर्सनल सिक्योरिटी बहुत दे दी ना, सुना कि आपको पर्सनल सिक्योरिटी हमारे को दे दी। क्योंकि अब जब लोग जलसी होती है, वहां पे कोई खतरा महसूस करते तो सिक्योरिटी देनी पड़ती है लोगों को। क्या आपने किसी टीम को किसी को बेचने नहीं दिया होगा, खरीदने नहीं दिया होगा? नहीं, वो टीम वाले तो सब खुश है। टीम वालों को गुजारिश ही नहीं है, सभी सभी खुश है। तो इसलिए तो नहीं कि पाकिस्तान के मामले की आप ही को रेस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं कि पाकिस्तान प्लेयर? अब वो उसका जो रीजन है, क्या रीजन है वो हमारे पता नहीं। अभी उसके अभी ढूंढ रहे हैं। आप किसी के लिए खतरा हो नहीं सकते? नहीं, हम किसी के लिए खतरा नहीं होता, हमारे लिए अच्छे ही हो सकते हैं। पर लोग कहते हैं कि खतरा हो सकते हैं, तो क्या करें? पर एक चार्ज आपके ऊपर लग रहा है और कि आप जो है हिंदुस्तान की क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट जो है ना, वो समाप्त कर देंगे बिल्कुल। तो प्रोफेशनल क्रिकेट बढ़ेगी, समाप्त कैसे होगी? प्रोफेशनल क्रिकेट जब स्पोर्ट्समैन को पैसा मिलता है कहीं भी दुनिया में, हिंदुस्तान में छोड़िए किसी भी स्पोर्ट में, तो प्रोफेशनल भर्ती या घटती नहीं है। तो आप लोग कहते हैं कि घटती है, और लोग इस प्रोफेशन में आएंगे जो क्रिकेट में नहीं आते थे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आज की तारीख में क्रिकेट एक प्रोफेशन हो सकता है। आज तक कुल फुटबॉल या टेनिस एक या गोल्फ कोई प्रोफेशन होता था, क्योंकि जो अच्छे गोल्फर होते थे या फुटबॉलर होते थे या टेनिस प्लेयर होते थे उनको ही पैसा मिलता था। आज की तारीख में आपको ये भी हो सकता है कि आप अच्छे क्रिकेटर हो, और हमारे पास हिंदुस्तान में कितने सारे क्रिकेटर हैं, हाँ वो भी कह सकते हैं कि आज की तारीख में हमको पैसा मिल सकता है आगे जाके, और हमारी जिंदगी बन सकती है। पर हम बता नहीं कितने एक प्लेयर के लिए $1 मिलियन, $2 मिलियन, अब फीस आपकी इतनी सारी। प्लेयर्स ही अच्छा है, क्योंकि जहां तक आज की तारीख में है, प्लेयर ही हैं जो टीम को बनाते हैं, प्लेयर ही हैं जो दर्शकों को आगे लेके आते हैं, प्लेयर ही हैं जो ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू लेके आते हैं। तो अगर प्लेयर्स को आप पेमेंट नहीं करोगे, अभी जब तक प्लेयर्स को पेमेंट करता ही नहीं था, तो वो गलत बात थी। तो प्लेयर्स को तो पेमेंट जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपने दो टीमें और बढ़ा दी, हाँ। 3000 रूपये में, 3000 करोड़ में दोनों टीमें बिकी। 3000 करोड़ के लिए क्रिकेट की टीम आप बेचेंगे तो कमर्शियल इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा ना, गेम का इंटरेस्ट तो खत्म हो जाएगा। तो जो 3000 करोड़ जो आएगा, वो सारा का सारा 3000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, क्योंकि सारा का सारा जो 3000 करोड़ बीसीसीआई को मिलेगा, वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जा रहा है। तो आज की तारीख में जो आपके जो नए नए स्टेडियम हैं, एक स्टेडियम की कॉस्ट 500-600 करोड़ रुपए होती है आज की तारीख में, नया स्टेडियम बनाने के लिए। ये स्टेडियम कहां तक आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लेके जाएंगे? और अगर कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इनको बनाएगी तो उनको उस पर क्या कहते हैं इंटरेस्ट लगेगा, उनके ऊपर उनको रिटर्न आना पड़ेगा। जहां तक अगर बीसीसीआई बनाएगी इन स्टेडियम्स को, तो उनको वो स्टेडियम फ्री ऑफ कॉस्ट में बनाती है, क्योंकि उनका काम ही स्टेडियम बनाने के लिए, और उनके ऊपर उनको रिटर्न की जरूरत नहीं होती है। स्टेडियम के ऊपर सवाल तो मैंने बहुत पूछ लिया पिछली बार, हाँ। क्योंकि स्टेडियम एसोसिएशन है जिन्होंने पैसा ले लिया, स्टेडियम नहीं बनाया, उसका आपने कुछ किया नहीं अभी तक कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी तक जो था वो बीसी, अभी तक हम डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे। केरला में आपका स्टेडियम नहीं है, यूपी में आपका स्टेडियम तो बन रहे हैं। अब यूपी में नया स्टेडियम आ रहा है, क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में आ रहा है, जो भी है एसोसिएशन का तो नहीं है ना। केरला में प्राइवेट सेक्टर में, केरला में आ रहा है, पैसे दिया। पुणे में आ रहा है नया स्टेडियम एसोसिएशन की तरफ से, केरला में आ रहा है नया स्टेडियम एसोसिएशन की तरफ से, मोहाली में अब दूसरा स्टेडियम बना रहे हैं एसोसिएशन की तरफ से, हाँ। और जो एग्जिस्टिंग स्टेडियम हैं वो सब रेनोवेट कर रहे हैं। कलकत्ता पूरा का पूरा रेनोवेट हो रहा है, वांकडे पूरा रेनोवेट हो गया है। तो हर एसोसिएशन के पास जब पैसा आ रहा है, अब वो रेनोवेशन चालू कर रहे हैं और इन स्टेडियम को तोड़ के नया स्टेडियम बनाएंगे।